क्या कभी आपने सुना है एक लोकसभा सीट पर एक ही पार्टी के दो दो प्रत्याशी? नहीं सुना तो मुरादाबाद आ जाइए, यहाँ सपा के अंदर यही गड़बड़ झाला चल रहा है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि अखिलेश करना क्या चाहते हैं। नामांकन का आखिरी दिन था और लास्ट दिन सपा में मुरादाबाद सीट पर ट्विस्ट सामने आ गया। पहले चरण के नामांकन के आखिरी दिन उस नेता ने मुरादाबाद सीट से पर्चा दाखिल कर दिया जिसका सपा की लिस्ट में नामो निशान तक नहीं था। जी हां, सपा नेता रुचि वीरा ने बुधवार के दिन पार्टी के सिंबल पर नामांकन कर दिया, जबकि एक दिन पहले मुरादाबाद से ही सपा सांसद एसटी हसन भी नामांकन दाखिल कर चुके हैं। यानी कि एसटी हसन के अगले ही दिन रुचि वीरा ने पर्चा भर दिया। वहीं सूत्रों से ये खबर है कि आजम की दखल के बाद मुरादाबाद सीट से एसटी हसन का नाम वापस लिया गया, इसलिए उनकी जगह रुचि वीरा का नाम सामने आया है। अब लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि आखिर मुरादाबाद सीट को लेकर सपा में चल क्या रहा है, सपा का असली उम्मीदवार है कौन, सांसद एसटी हसन या फिर रुचि वीरा। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि समाजवादी पार्टी के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा। एक तो आजम खान अखिलेश से रामपुर से चुनाव नहीं लड़ने को लेकर नाराज हैं, दूसरा मुरादाबाद में जो हुआ वो बता रहा है कि चुनाव से पहले ही पार्टी में फूट पड़ गई है। अब ये नाराजगी और सस्पेंस कैसे खत्म होगा ये तो अखिलेश ही जाने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।